हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली जनरल पार्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सो आप देख सकते हैं आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा ये एक मॉक टेस्ट रहने वाला है सो so, आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के अलावा जनरल हिंदी के अलावा आपको जो भी हिंदी एंड रीजनिंग के अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं ई के जनरल पेपर में वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे सो बेसिकली फिफ्टी क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप अपना जरूर स्कोर नोट करते जाइएगा दस दस पार्ट का है मोस्टली दस दस नंबर का एक पार्ट है और जहां पे उन्होंने एन ई पी जैसे पाँच नंबर दे रखे तो एन ई पी वगैरह पाँच नंबर के हैं सो so, जरूर अपना स्कोर नोट करना सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन बट येस बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपने मेरी पहले की जनरल पार्ट की वीडियोस देखी है आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट इजीली कर लेंगे सो so, अगर नहीं देखी प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखना सभी सब्जेक्ट्स की मैंने अलग से प्ले बना रखी है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टड विद द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वन नेशन वन आई डी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया नेम इट सो गवर्नमेंट ने हाल ही में क्वेश्चन बहुत सुर्खियों में रहा है सो गवर्नमेंट ने एक सेम आइडेंटिटी कार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है वन नेशन वन आई डी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हमें उसका नाम बताना है चार ऑप्शन है आधार अपार कदार या फिर नन ऑफ दबब सो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए आई होप आपने अपना आंसर अब चूज़ कर लिया होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ अपार सो so, हाल ही में अपार एक वन नेशन वन आईडी है सभी स्टूडेंट्स के लिए सो वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ठीक है इसे याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली गवर्नमेंट एंड मेटा हैज़ कोलाबरेटेड फॉर थ्री ईयर्स अग्रीमेंट टू एनहैंस द डैश स्किल इसका मतलब है हाल ही में गवर्नमेंट ने और मेटा ने कोलैबोरेशन करा है मतलब ये इन्होंने दोनों ने मिलकर एक साइन करा एक अग्रीमेंट तीन ईयर का कि वो कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा या फिर इनहेंस करेगा ठीक है बढ़ावा देगा कौन सी स्किल्स को अब मेटा क्या है पहले फेसबुक था ना मार्क जकबर्ग का सो फेसबुक का अब नाम चेंज करके मेटा रख दिया है मेटा वालों ने इसे खरीद लिया है ठीक है मार्क जकबर्ग ने की जो कंपनी थी उसका नाम अब मेटा है सो मेटा और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है इन्होंने एक एम मतलब अग्रीमेंट साइन किया है ये क्या कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे आप आइडिया लगा सकते ऑप्शन से रीडिंग स्किल्स सेकेंड ऑप्शन टेस्ट टेकिंग स्किल्स थर्ड ऑप्शन रिसर्च स्किल्स या फिर फोर्थ ऑप्शन डिजिटल स्किल्स सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन दैट इज डिजिटल स्किल ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर याद रखिएगा डिजिटल स्किल्स को ये इम्प्रूव करेंगे सो so, यहाँ पे फोर्थ आंसर सही आंसर है नेक्स्ट रिसेंटली ऑन विच पोर्टल डिड द कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म लॉन्च ये हाल ही में जस्ट मे 2023 में ये दिस कोर्स हैज़ बीन लॉन्च ये कोर्स अभी हाल ही में मई में ही लॉन्च हुआ है क्या नाम है इस कोर्स का हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़म ठीक है और ये यू द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर पूछा है कौन से ऑनलाइन पोर्टल पर ये लॉन्च किया गया है कोर्स स्वयं उल्लास दीक्षा या फिर निष्ठा सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्वयं सो so, अभी तो मैंने आपको सीधा पोर्टल का नाम बता दिया कि स्वयं पोर्टल पे ये ऑनलाइन कोर्स हाल ही में लॉन्च हुआ है बट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है ठीक है सो so, यू द्वारा सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए

वहाँ पे एड्रेस किया था मतलब बेसिकली वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी तो हमें बेसिकली बताना है इस क्वेश्चन में वो कौन सी सिटी में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी गांधीनगर न्यू दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज गांधीनगर नगर इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स सो इंडिया में पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जंगलों के बारे में पढ़ाए उनका ज्ञान दे ठीक है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी कौन सी स्टेट में उस स्टेट का हमें नाम बताना है सो so, चार ऑप्शन है अगैन हमारे पास उत्तर प्रदेश महा मध्य प्रदेश तेलंगाना या फिर केरला सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज़ तेलानगना सो so, तेलानगना में ऐसी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अभी तक खुली नहीं है खुलेगी ठीक है विल बी एस्टैब्लिश है तो मतलब खुलेगी सो so, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एन आई आई टी मद्रास इनक्यूबेटेड फॉर्म हैज़ डेवलप एंड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड सो एक आई आई टी मद्रास की एक कंपनी है जिन्होंने एक मोबाइल का अपना ख़ुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है सो so हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है जैसे एप्पल का होता है एंड्रॉइड होता है तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है किसने आईआईटी मद्रास की एक कंपनी ने फर्म ने तो उसका क्या नाम है भरोसा भर भर ओ एस या फिर नन ऑफ सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज भर ओ एस नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसेस लास्ट सेंसेस कब हुआ था 2011 में सो so, उस सेंसेस के हिसाब से इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी वो हमें बताना है 74.04%, फोर पॉइंट परसेंट सेवेंटी या फिर नन ऑफ दी अबब सेंसस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज़ न्यू सेंसस अभी हुआ नहीं है तो मोस्टली जितने भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट सेंसस से ही आते हैं जो कि 2011 में हुआ था तो उसके हिसाब से कितने लोग इंडिया के पढ़े लिखे हैं लिटरेसी रेट मतलब कितने ज़्यादा प्रतिशत लोग इंडिया की पढ़ी लिखी है वो हमें बतानी है सो so, चार ऑप्शन मैंने अभी आपको बताए सो so, जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन दैट इज़ सेवेंटी फ़ोर पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट मोर ओवर अगर हम डिस्कस करें लिटरेसी रेट जो मेल की है कि कितने मेल्स इंडिया के लिटरेट है वो है एटी टू पॉइंट वन फोर परसेंट और कितनी फीमेल्स कितनी महिलाएं लिटरेट है पढ़ी लिखी है इंडिया की सेंसेस 2011 के अकॉर्डिंग वो है 64.46 परसेंट so सो आप इसको कहीं लिख सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेम द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन will be launched in August September 2023 name it August September 2023 ke beech mein matlab agle तेईस के बीच में मतलब अगले एक दो महीने के बीच में इंडिया का फर्स्ट मिशन लॉन्च होगा किसके द्वारा इसरो द्वारा जो कि क्या करेगा ये मिशन सन हमारे सूरज को स्टडी करेगा अभी जो मिशन था चंद्रयान ये किसको स्टडी किया इसने मतलब करेगा किया तो नहीं अभी गया है चंद्रयान जो अभी हाल ही में गया जुलाई में तो ये मून हमारे चंद्र को ये स्टडी करने के लिए गया है तो एक ऐसे ही अगले एक दो महीने के अंदर एक सूरज के लिए भी एक इन्होंने मिशन स्टार्ट करेंगे तो उसका हमें नाम बताना है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सो so, चार ऑप्शंस है आदित्य एल वन आदित्या एस एल वी सूरज एल वन या फिर सूरज एस एल वी सो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए दैट इज़ आदित्य एल वन सो ये एक मिशन है आदित्य एल वन जो कि कब लॉन्च होगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगस्त सितंबर के बीच में क्या इसका काम है ये स्टडी करेगा सन को सूरज को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रथम स्कीम प्रथम स्कीम का मेन एम क्या है इंपॉर्टेंट स्कीम है इसलिए मैंने इसके बारे में मेंशन किया है यहाँ पे इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू गेट मोर देन एटी परसेंट टू रिमूव सोशल डिस्पैरिटीज एवरी चाइल्ड इज लर्निंग वेल एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल सो इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आया है ना वो इसके मेन एम से ही आया है ठीक है सो so, जो प्रथम स्कीम का मेन एम है वो है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है एवरी चाइल्ड इन स्कूल का क्या मतलब है कि जो अपनी कंट्री के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़े एनरोलमेंट ले एडमिशन करवाए एंड लर्निंग वेल अब एडमिशन तो करवा लिया सिर्फ खाने के लिए नहीं पैसों के लिए नहीं कि फ्री की किताबें मिलती है पैसे भी आते हैं अकाउंट में इसलिए नहीं कि वो लर्न करे अच्छे से कुछ पढ़े ल... तो इसके दो एम है एवरी चाइल्ड इन स्कूल पहला एम एंड लर्निंग वेल ठीक है और स्कूल में वो ढंग से पढ़ाई करे पढ़ाई का मतलब है कि स्कूल में वो ढंग से चीज़ें लर्न कर सके पढ़ाई करके ही हम लर्न नहीं करते हैं बट बहुत से अलग अलग वेज़ में भी हम सीखते हैं लर्न करते हैं तो ये इसके दो बेसिक एम है, प्रथम स्कीम के हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस फील्ड मतलब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बट जो कुछ मुझे न्यू देखने को मिले हाल ही में सो so, उन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो लाई हूँ सारे ही इम्पॉर्टेंट है मिस मत करिएगा मोर ओवर चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वन नेशन वन आई फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया नेम इट सो so, नेक्स्ट हमारा अब एजुकेशनल जी के है अभी जो हमने डिस्कस किया था ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे एजुकेशन से क्वेश्चन है ना तो अब एजुकेशन से रिलेटेड हम जी के पढ़ेंगे जनरल नॉलेज क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है सो फर्स्ट क्वेश्चन वेयर डिन वेयर डिड ज्ञान ज्योति स्कीम लॉन्च ज्ञान ज्योति नाम की एक स्कीम है ये कहाँ लॉन्च करी गई है मणिपुर असम महाराष्ट्र तमिलनाडु सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन असम अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है मैंने बहुत अच्छे से स्कीम्स के बारे में बताया है जितनी भी स्कीम्स मैंने क्वेश्चन में डाली है सो so, ज्ञान ज्योति के बारे में भी मैंने बता रखा है सो so, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है असम नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा ऐप हमें दीक्षा की फुल फॉर्म बतानी है चार ऑप्शंस दिए हैं चौथा तो नन है बट तीन ऑप्शंस देखिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन नॉलेज सब्जेक्ट्स सेकंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग सी डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ़ॉर नॉन सब्जेक्ट शेयरिंग सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है दीक्षा निष्ठा ये सब क्या ऐप्स और इनसे एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको देखने को मिल सकता है डेफ़िनेटली एग्जाम में सो so, आप पूरी जी की प्ले चेक करना ज़्यादा वीडियो नहीं है आठ दस वीडियोज़ है सात या आठ वीडियोज़ आई गेस तो आप ज़रूर उनको सभी को देख लेना इंपॉर्टेंट स्कीम्स जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस क्वेश्चन है प्रोग्राम्स हैं उसमें मैंने सभी डिस्कस कर रखे हैं नहीं तो आप लिंक भी देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है इन प्ले का वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं नेक्स्ट फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश की गई थी उसका हमें ईयर बताना है 1966, 1985, 1986, या फिर नाइनटीन एटी टू सो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर दैट इज नाइनटीन एटी टू ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो पहले ही वीडियोस देखी होगी तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज सो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आर एम एस ए लॉन्च हमें बताना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है ये एजुकेशन की तो इसलिए ये क्वेश्चन रखा है मैंने हमारे पास चार ऑप्शन है टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड या फिर टू थाउजेंड सिक्स सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू दैट इज़ टू थाउजेंड नाइन दो हज़ार नौ में खोली गई थी आर एम एस ए भी याद रखना क्या है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सिक्सटी एट सो हमें बताना है कि किसकी रिकमेंडेशन की वजह से जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में निकली थी किसकी रिकमेंडेशन की, की वजह से निकली थी कोठारी यशपाल फ्रोबेल या फिर टैगोर आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा सो कोठारी कमीशन ठीक है फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन दैट इज़ कोठारी कोठारी कमीशन के अंडर ही फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में निकली थी सो so, अब आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी से हाउ मैनी ऑफ दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैंशनड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर कितनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं डिस्कस करे गए हैं फाइव इलेवन ट्वेंटी टू या फिर ट्वेंटी सो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा सो so जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज़ फाइव प्रिंसिपल्स फाइव प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया है एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सी एज ग्रुप को कवर किया गया है एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी का जो न्यू स्ट्रक्चर है अगर आपको याद हो ये डिटेल में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद एज और उनका क्या नेम है पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है तो कौन सी एज ग्रुप को कवर कर रखा है इस स्ट्रक्चर ने चार ऑप्शन है जल्दी से देख लीजिए अपना आंसर चुन लीजिए सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन दैट इज थ्री टू एटीन सो तेरह से अठारह वर्ष तक के बच्चों के लिए एनईपी का जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको वो कवर कर रहा है एन ई बी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रपोज पेडोगोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन वट इज द नेम ऑफ द ई सी सी ई पेडोगोलॉजिकल फ्रेमवर्क ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया हमने डिस्कस किया था ई सी सी ई क्या होता है और ई सी ई आई मीन ई डबल सी ई एग्जाम में एन के टाइम पूछा भी गया था और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है ठीक है इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ एन ई ट्वेंटी ट्वेंटी ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा ई e सी सी ई -E, शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ठीक है इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए ठीक है सो so, वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि तीन से आठ साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है सो ऑप्शन ए एन सी पी ई एन सी एफ ई सी ई डी बी ऑप्शन एन सी पी एफ ई सी सी ई सी ऑप्शन एन सी पी एफ ई सी डी ई या फिर डी ऑप्शन एन सी पी ओ सी सी ई सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज़ एन सी पी एफ ई सी सी ई सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडोगोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को क्या है एन सी पी एफ ई सी सी ई नेक्स्ट क्वेश्चन विथ स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी एट प्री प्राइमरी लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी लागू किया है अपने प्री प्राइमरी लेवल पर हिंदी में भी पढ़ देती हूँ कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हज़ार बीस को आधारित आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है सो so बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है ना सिर्फ उसी को लागू किया है पूरा हायर एजुकेशन नहीं ट्वेल्थ तक नहीं सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले कौन से स्टेट या राज्य में एनई पी अकॉर्डिंग टू एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी लॉन्च हुआ था केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है आंसर सबको आना चाहिए सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन दैट इज उत्तराखंड उत्तराखंड में बाल वाटिकास खोले गए हैं ठीक है और बाल वाटिकास हम डिस्कस कर चुके हैं एन ईवी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंडर ही आया है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ध्यान से पढ़िएगा और समझेगा

ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया था ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया था बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी को हरियाणा तमिलनाडु कर्नाटका या फिर हैदराबाद सो so, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्नाटका प्लीज़ इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर प्राइमरी लेवल पूछा है तब आप उत्तराखंड मार्क करेंगे अगर सिर्फ पूछा है फर्स्ट स्टेट जिसने ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है तो का सो so, अब कुछ क्वेश्चंस है एक्सपीरियंशल एंड केस स्टडी बेस्ड पेरागोलॉजी से फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज है किसका एग्जांपल है केस स्टडी का कंपैरेटिव स्टडी का एक्सपेरिमेंटल स्टडी का या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी का सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आई मीन ऑप्शन वन आई एम सॉरी ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है दैट इज केस स्टडी और भी जितनी भी प्रकार की स्टडीज़ है ये मैंने आपको पहले समझा रखी हैं हर एक का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपीरियंशल एक्टिविटी बेस्ड पेडेगॉजी एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंशल एक्टिविटी जो बेस्ड एक्सपीरियंशल एक्टिविटी बेस्ड पेडेगोजी है वो स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों के लिए एनक्रेज करती है फर्स्ट डेवलप स्किल्स सेकेंड एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टेक्स थर्ड अप्लाई नॉलेज या फिर फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव सो आई वुड सजेस्ट मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें सिर्फ तीन वीडियोज़ है इस टॉपिक की और उसमें मैंने मोस्टली सब कुछ थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट एम उसमें कवर कर रखे हैं सो so, अगर आप वो वीडियो देख लोगे आई एम वेरी वेरी श्योर आप अच्छे से कर लोगे इस सेक्शन को सो so, इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है ज़रूर आप देखिएगा और इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर दैट इज ऑल ऑफ दी अबव एक्सपीरियंशल बेस्ड पेडोगोलॉजी है उसके काफ़ी मतलब फायदे हैं वो चीज काफी चीजों को डेवलप करती है मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न मोर बाय डूइंग सीइंग ऑब्जर्विंग रीडिंग या फिर लिसनिंग सो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा खुद करके सीखते हैं सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन दैट इज डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन

मैंने बहुत सारे फ़ीचर्स डिस्कस कर रखे हैं केस स्टडी मेथड के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे एग्जाम में इस टॉपिक से तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा बहुत सारे मैंने समझा रखे हैं फीचर्स एक्सपीरियंशल के भी सो so, जो फोर्थ का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू दैट इज़ बी सी डी मतलब इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक पर्टिकुलरिस्टिक होता है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होती है ये सी ऑप्शन है इट इज़ डिस्क्रिप्टिव काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होती है केस बेस्ड स्टडी एंडी है इट इज इंडक्टिव पहले हम जानते हैं देन हम कंक्लूजन पे निकलते हैं नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुली डेवलपिंग एंड एक्सपैंडिंग दी कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्ड सुना होगा इस कौन रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने इस के बारे में मतलब काफी ज्यादा जिसने बढ़ावा दिया सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डेविड ए कोल्ब जिन पे आज जॉन डी या फिर नन ऑफ the answers आर करेक्ट सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन दैट इज डेविड ए कोल्ब या फिर कहीं जगह आपको सिर्फ कोल्ब भी देखने को मिल सकता है सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट है आईसीटी आईसीडी से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका कलेक्शन है ए सॉफ्टवेयर रूटीन्स बी इनपुट आउटपुट डिवाइज सी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स या फिर डी ऑल ऑफ दीज कन्फ्यूजिंग है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जल्दी से अपना आंसर चुनिए आई सी टी की भी प्ले लिस्ट है सारे प्रीवियस ईयर मैंने एन बी एस के डिस्कस कर रखे हैं क्योंकि सेम सिलेबस से है आई सी टी का सो so, जरूर देखिएगा आई की प्लेलिस्ट सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स अगर आप पढ़ लोगे ना आपके पांच छह क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकल जाएंगे सो so, फर्स्ट का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है सॉफ्टवेयर रूटीन्स और जे के लिए तो थर्टी मार्क्स का एफ आई एम नॉट रॉन्ग सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आई की प्ले आपके लिए सो so, फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है आप में टॉपिक so, है सिलेबस में सो सॉफ्टवेयर रूटीन्स है इनका ये कलेक्शन है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन व्च ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फर्स्ट यूनिक्स बी एम एस डॉस सी सी पी स्लैश एम या फिर डी पास्कल सो so, जो पास्कल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ठीक है सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है सो थर्ड क्वेश्चन मिसिंग आई गेस चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स ई कॉमर्स का फुल फॉर्म हमें बताना है चार ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कॉमर्स बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सी एंटरटेनमेंट कॉमर्स या फिर डी इलेक्ट्रोकेमिकल कॉमर्स आई होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा ये क्वेश्चन आई रिमेंबर ये मैंने करा रखा है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है किसी एग्जाम का पीजीटी या टीजीटी का सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ई e कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है चार ऑप्शन दिए हैं ए प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल बी पेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मैट या फिर डी प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मैट कंफ्यूजिंग है सारे सिमिलर से ऑप्शन आई नो दैट सो जो पी डी एफ की करेक्ट फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मैट सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन बी अ हार्डवेयर डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और a combination of both and I am used to filter out data that comes through a network or the internet. Who am I? अब ये भी थोड़ा confusing है पहले मैं समझा देती हूँ कि question क्या बोल रहा है ये हमें बता रहा है कि मैं एक हार्डवेयर भी हो सकता हूँ या फिर सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते ठीक है ऑपरेट कर सकते हैं तो ये बताता है क्वेश्चन कि मैं एक हार्डवेयर भी हो सकता हूँ सॉफ्टवेयर भी हो सकता हूँ एक ऐसा प्रोग्राम हूँ या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता हूँ और मेरा काम क्या है मैं चीज़ों को फिल्टर करता हूँ उन्हें अलग करता हूँ जो कि इंटरनेट के साथ आपके कंप्यूटर में आ जाती है तो ये फिल्टर करता है प्रिवेंट बचा नहीं रहा कि, जो चीज़ें इंटरनेट या किसी और चीज़ से आ रही है प्रिवेंट करेगा तो एंटीवायरस हो जाएगा बट ये फ़िल्टर आउट कर रहा है तो चार ऑप्शंस है मालवेयर कुकीज़ एंटीवायरस फायर वॉल काम है ये सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ फायर वॉल ठीक है अब आपको ये याद रखना है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मिक्सचर हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का और इसका काम क्या है ये जो इंटरनेट के साथ जो चीज़ें आ जाती है ना ठीक है मेल के थ्रू या कुछ भी सो so, उन्हें ये फ़िल्टर करता है अलग करता है ये न्यू क्वेश्चन है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी सिस्टम कॉल्स असेंबली इंस्ट्रक्शंस या फिर एपीआई अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज है उनको अगर हम यूज करना चाहते हैं उसका एक्सेस लेना चाहते हैं सो so वो हमें किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है चार ऑप्शंस में पढ़ चुकी हूँ सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सिस्टम कॉल्स सो दैट इज बी ऑप्शन सेवेंथ का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ टी पी एफ टी पी की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है चार ऑप्शन है ए ऑप्शन फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी फास्ट ट्रांसमिटिंग प्रोजेक्ट एडुकेशन सी फाइल ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल या फिर डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो पे सो so, जरूर लाइक करिएगा एंड में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे वीडियो कैसी लगी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल क्रोम सफारी या फिर यूनिक्स अगर आपको याद होगा अभी ऊपर हमने किसी ऑप्शन में यूनिक्स पढ़ा था राइट right? तो किस क्वेश्चन में पढ़ा था अगर याद हो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये वेब ब्राउजर का नहीं है एग्जाम्पल यूनिक्स क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वेब ब्राउजर क्या होता है जैसे कि आ, ये क्रोम हो गया फ़ोन में सफारी होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल या फिर किसी भी चीज़ को राइट तो ये वेब ब्राउजर होते हैं सो so, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं ये एंड्रॉयड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और आई ओ एस एप्पल के फोन का आईओएस एस ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे ही यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है सो so, नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू टैब इन सेम विंडो सेम विंडो में अगर हमें न्यू टैब खोलनी है इसकी शार्ट कट की क्या है वो हमें बताना है चार ऑप्शन दिए हैं मैंने एक अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है जितने भी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज है मैंने उस वीडियो में सभी की सभी डिस्कस करी हैं ज़रूर देखिएगा आईसी टी की जो प्लेलिस्ट है आपका ये टॉपिक डेफिनेटली उसमें कवर हो जाएगा और एक कंप्यूटर टर्म्स एंड अब्रीविएशन की भी एक वीडियो है उसमें जितने भी कंप्यूटर की अब्रीविएशन है इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आप देख लीजिए वो आपका टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएगा सो so, चार ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि हमें अगर न्यू टैब खोलना है सेम विंडो में तो हमें कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है सो ऑप्शन वन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन टेन का अब हमारे क्वेश्चन है कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से सो so, अगर आप अपना स्कोर नोट कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा नेक्स्ट ड्यूरिंग करिकुलर डेवलपमेंट द इवेल्यूएशन यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट लर्निंग इज कॉल्ड बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा इवेल्यूएशन सबसे बेस्ट है या फिर जब हम करिकुलम को डेवलप बना रहे हैं सो so, ऐसी कौन सी एक इवेल्यूएशन की टेक्निक है जो कंटेंट को इम्प्रूव कर सके ठीक है जो टीचिंग का कंटेंट है उसे इम्प्रूव कर सके सो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन समेटिव इवेलुएशन डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन या फिर क्रिटिकल इवेल्यूएशन सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसके बीच में टीचर ले लेती है ये नहीं कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एंड में कॉपी टेस्ट पेपर पेन टेस्ट लेके बच्चे को मार्क्स देना नहीं फॉर्मेटिव में हम क्विज भी ले लेते हैं बच्चे को प्रोजेक्ट भी दे देते हैं सो so ये वाला इवेल्यूएशन सबसे बेस्ट इवेल्यूएशन तरीका है कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में हमें पूरा साल पता चलता रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डिवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आज बाय द टीचर अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास रूम इन्वायरमेंट से रिलेटेड ठीक है सो so, बेसिकली ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि आपको आइडिया लग जाए उन्होंने सिलेबस में बहुत अलग से दे रखा है ये वो बट बेसिकली जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें टीचर कैसे क्लास में पढ़ाए सो so, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आप आराम से अटैम्प्ट लोगे सो so, ये बहुत ईजी टॉपिक है अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लास में क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर नन ऑफ दी अबव सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन दैट इज ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है कि जिसमें बच्चा अपना खुद ओपिनियन दे सके अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जल्दी से शॉर्ट में हमें हमेशा एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है चार पाँच नंबर का कि जैसे कि आप रास्ते चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का कोई भी एक ऐसा एग्जाम हो बट उसमें आउट ऑफ नोवेर एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि इसमें आप अपना खुद का ओपिनियन रख सको आप जैसे कि क्वेश्चन है कि आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए और आपने Uh, आपका एग्ज़ाम है स्कूल में और आप ऑलरेडी लेट हो गए दस पंद्रह मिनट और रास्ते में आपने देखा एक बूढ़े बंदे का एक्सीडेंट हो गया और सब अपने काम में बिजी है कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है टीचर इसमें कोई भी गलत सही नहीं मतलब जज करेंगे ठीक है सो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और इसी से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है तो ना कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप ये सब क्वेश्चन से नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्लासरूम्स लर्निंग प्रोसीड्स मोस्ट इफेक्टिवली इफ देयर इज डैश बाय द टीचर क्लासरूम में लर्निंग तभी अच्छी होगी जब डैश हमें फिल करना है जो कि टीचर द्वारा किया जाएगा तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में डैश को फिलअप करना है चार ऑप्शन है कि टीचर द्वारा क्या दिया जाए एक्सक्लूसिव मोटिवेशन मोटिवेशन दिया जाए अच्छे तरीके से तब लर्निंग अच्छी होगी नेक्स्ट रैपिड फीडबैक सेकेंड ऑप्शन जब क्लास में बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस या लर्निंग से रिलेटेड फीडबैक दिया जाएगा तब उसकी लर्निंग और बेटर होगी थर्ड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग बच्चों से फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग पूछे टीचर ने पढ़ाया क्वेश्चन पूछती रहे समझ आया नहीं आया इससे लर्निंग अच्छी होगी या फिर इमीजिएट रिकैपिचुलेशन एकदम से टीचर ने कुछ पढ़ाया क्लास में खत्म होने से पहले एक बार उसका रिकैप भी कर दे सो देखा जाए तो सारे ही चारों ही ऑप्शन लर्निंग को बेटर करने के ही हैं बट अगर ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज को मार्क करते बट यहाँ पे एक ही हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चारों ही ठीक है बट सबसे बेस्ट कौन सा है वो हमें बताना है और जो एन द्वारा भी माना गया है वो है सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ रैपिड फीडबैक कि बच्चों को फीडबैक ज़रूर देना चाहिए कि उनकी लर्निंग कैसे चल रही है ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनको मार्क्स देख के पता चले कि हमारी लर्निंग इतनी है तो टीचर को रैपिड फीडबैक देना चाहिए ऐसे बच्चे की लर्निंग और इम्प्रूव होगी

इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड अगर हम मदर टंग में पढ़ाएंगे तो वो चीज़ हमें मतलब हमारा काम दिमाग ज़्यादा चलेगा मदर टंग में अगर हम कोई चीज़ सुनेंगे डी ऑप्शन इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर ये एक बच्चों को नेचुरल एटमोसफेयर देता है अगर टीचर क्लास में मदर टंग यूज करे तो इस नेचुरल एटमोसफेयर में बच्चे इजीली सीखते हैं ये फोर्थ ऑप्शन कहता है हमें डी ऑप्शन सो so, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन कि बच्चे को मदर टंग में इसलिए पढ़ाया जाता है क्यों पहली बात तो प्राइमरी लेवल तक क्यों क्योंकि उसे एक नेचुरल घर जैसा माहौल देने की कोशिश की जाती है क्योंकि घर में ही हम मदर टंग यूज़ करते हैं तो जब नेचुरल एटमोसफेयर बच्चे को लगेगा उसे मिल रहा है तो वो ईजिली चीज़ों को ग्रास्प करेगा अच्छे से और समझेगा चीज़ों को जल्दी पकड़ेगा

प्राइमरी लेवल के लिए साल में ठीक है फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल ही आ जाएगा सो so, कितने मिनिमम डेज होने चाहिए मिनिमम मतलब कम से कम 180, 200, 240, 220 सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन दैट इज कम से कम 200 हंड्रेड डेज होने चाहिए ठीक है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस तक के लिए एक साल में 200 दिन तो उनको स्कूल में बुला के उन्हें पढ़ाना चाहिए मिनिमम अब आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल इंग्लिश के सेक्शन से नेक्स्ट ये क्वेश्चन वो कैब से ही है विच ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो करेक्टली फिल इन फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो तो हमें चार फ्रेजेस दे रखे हैं ठीक है हमें बताना है जो ये फिल अप है जो डैश है इसके अंदर कौन सा फ्रेज ठीक बैठेगा we dash at 7 to be able to catch the 7:30 train we set in at 7 we set out at 7 we set about at 7 ya fir we set on at 7 देखो इसमें इन अबाउट और ऑन तो क्यों ही लगेगा एक प्रेपोजिशन तो ऑलरेडी सेंटेंस में लगी हुई है आप ऐसे भी सोचकर आंसर दे सकते हैं आप देख सकते हैं कि एट तो प्रपोजिशन ऑलरेडी लगी है तो दो प्रपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं लगेंगी ठीक है सेट इन एट बिल्कुल गलत है है ना सेट आउट एट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है क्यों अगर आपको मतलब पता है तो वेल वेल एंड गुड सेट आउट का मतलब होता है टू तो बिगिन अ जर्नी जब हम किसी जर्नी को शुरुआत करने को रेडी रहते हैं ठीक है प्लान करते हैं कि हम अपनी जर्नी इस टाइम पे शुरू करेंगे तो इस सेंटेंस के हिसाब से भी जर्नी की बात हो रही है कि हम सात बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि हम साढ़े सात बजे वाली ट्रेन पकड़ पाएं। मतलब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि दो प्रपोजिशन कभी यूज ही नहीं होंगे इन लग गया तो इन एट एक साथ नहीं आएगा आउट सेट आउट एट आउट प्रपोजिशन नहीं है तो ये लग सकता है सेट अबाउट अबाउट भी प्रपोजिशन है अबाउट एट नो देन सेट ऑन एट ऑन भी एक प्रपोजिशन है उसको आप एट के साथ नहीं यूज करोगे सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन दैट इज सेट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट हेअ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू दी अंडरलाइंड वर्ड इज देखिए ये वर्ड अगर आपने मेरी जितनी भी कैबलरी की वीडियोस देखी हैं उसके अंदर आई रिमेंबर मैंने डर्थ वर्ड करा रखा है सो so आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वर्ड सो so डर्थ का मतलब होता है कमी ठीक है अब हमें बताना है कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा डर्थ का मतलब कमी अब चारों ऑप्शन देखते हैं वॉन्ट डिन प्लेंटी या फिर हार्मनी सो so जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री मीन्स आई I मीन mean, जो कि आंसर है थर्ड प्लेंटी प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर मात्रा में मतलब बहुत सारा ठीक है प्लेंटी ऑफ सनशाइन मतलब बहुत सारी मात्रा में सनशाइन सो डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं बहुत एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा जाता है सो so, इम्पॉर्टेंट मैंने वो आपको करा रखी है सो so, ज़रूर देखिएगा डर्थ मतलब कमी और इसका जो ऑपोजिट है और भी मैंने मिलते जुलते वर्ड्स अबंडस प्लेंटी ठीक है अब प्लेंटी से मिलते जुलते वर्ड्स करा रखे हैं और डर्थ लैक डर्थ से भी हमने बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं मिलते जुलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड नियर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फेलिसिटी आप देख सकते हैं वो कैब से कितने सारे क्वेश्चन हैं सो हमें फेलिसिटी का मतलब बताना है सिननिम मतलब मिलता जुलता वर्ड मोस्ट वर्ड नियर टू द मीनिंग ऑफ नियर टू द मीनिंग ऑफ मतलब इससे मिलता जुलता मतलब सिननिम सिमिलर वर्ड सो चार ऑप्शन है कंटेनमेंट कंटेनमेंट मतलब जब आप किसी चीज़ से सेटिसफाई होते हैं हैप्पीनेस मतलब बहुत खुशी अबांडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना बंद कर देना क्रेजीनेस मतलब पागलपंथी सो फेलिसिटी का जो मतलब होता है वो होता है खुशी होना ठीक हैप्पीनेस सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू दैट इज हैप्पीनेस सो फेलिसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरर हमें गलती ढूंढनी है इस सेंटेंस में द टीचर वेरी प्रिसाइसली एक्सप्लेन्ड अबाउट द चैप्टर इन द क्लास नो एरर सो चार ऑप्शंस है किसी एक ऑप्शन में एरर है मतलब गलती है वो हमें पहचाननी है सो so, जो गलती है वो है ऑप्शन सी में अगर आपको याद हो अगर आपने प्रेपोजिशन वाली मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा एक्सप्लेन के साथ अबाउट या कुछ और प्रेपोजिशन नहीं लगेगा एक्सप्लेन, डिस्कस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता तो सिर्फ होना था द टीचर वेरी प्रिसाइसली एक्सप्लेन द चैप्टर इन द क्लास सो सी ऑप्शन में मिस्टेक है अबाउट एक्स्ट्रा लगा दिया गया है और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रपोजिशन पे मैंने दो वीडियोस बनाई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियोस है जनरल इंग्लिश में मोस्टली फाइन द एरर टाइप में प्रपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं बार बार बोलती हूँ मैं ज़रूर देखिएगा वो वीडियोज़ नेक्स्ट चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिलो तो आप देखिए कि कितने सारे इन्होंने वो कैब से क्वेश्चन पूछ रखे हैं सिनेम्स एंटनिम से आप देख सकते हैं और ये सिर्फ मैंने एक ही पेपर का प्रीवियस ईयर लिया है बहुत से हर सब्जेक्ट के हुए हैं आपको पता है सो तो ये मैंने एक ही पेपर का लिया तो इसी में देख ली तीसरा क्वेश्चन है वो कैब से अब इसमें हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है विपरीत आर्थक मतलब एवर्जन एवर्जन के चार ऑप्शन हमें एवर्जन का बताना उल्टा मीनिंग क्या है एवर्जन का पहले मतलब समझते हैं एवर्जन मतलब घृणा करना किसी को हम पसंद नहीं करते या फिर डिसलाइक करना हेट करना सो हेट डिसलाइक एपथी ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एवर्जन से मिलते जुलते हैं अब हमें इसका उल्टा बताना है एंटीपैथी एंटीपैथी का क्या मतलब है एंटीपैथी मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते ठीक है उसके लिए हम अच्छी भावना नहीं रखते अपने मन में फिर है लाइकिंग एवर्जन मतलब किसी को लाइक like नहीं करना लाइकिंग मतलब हम किसी को पसंद करते हैं सो so, जो इस क्वेश्चन का एवर्जन का जो उल्टा है जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लाइकिंग एवर्जन मतलब किसी को पसंद नहीं करना लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैंने पिछले सात आठ महीने पहले एक दो वीडियोस बनाई थी सिनेिम्स एंटेनिम्स पे सो so, मैंने उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं करवाए थे आई रिमेम्बर सिर्फ पच्चीस तीस वर्ड्स करवाए होंगे या बीस पच्चीस वर्ड्स आपको दो वर्ड्स उन पच्चीस तीस में से आपको दो वर्ड्स आज के पेपर में ही देखने को मिल जाएंगे एक तो एवर्जन था मुझे याद है अवर्जन था एंटीपैथी मैंने उसमें करवाया था सो so, मैंने उन वीडियोस के लिंक नीचे डाल रखें वो ऐसी वीडियो है अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना सो so, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो बीस पच्चीस वर्ड्स हमेशा है कि वो पूछा ही जाता है सो so, मैंने सिर्फ ऐसे वर्ड्स रखे हैं सो so, इसी एग्ज़ाम में दस क्वेश्चन में से ही आप लगा लो दो क्वेश्चन उसमें से आ गए तो ऑब्वियसली वो ही होगी यूज़फुली होगी आपके लिए सो so, ज़रूर देखिएगा आपको आई एम श्योर दो तीन नहीं तो एक वर्ड तो बीस पच्चीस में से आपको मिल ही जाएगा देखने को अपने एग्जाम में राइटर एंड सिंगर अ लॉन्ग टूर फॉर द कॉन्सर्ट या फिर नो एरर अगेन चार ऑप्शन है किसी एक ऑप्शन में है गलती अब हमें बताना है किस में अ राइटर एंड सिंगर हैव सो पता है ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है ना जस्ट इससे पहले फोर्थ पार्ट उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन बट मिलता जुलता है बिल्कुल सेम नहीं है ठीक है हमने ये रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था बहुत से एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करे थे ऊपर मैं सच्ची बता रही हूँ ये जो ऊपर वाला रूल है जो अभी हमने किया और इस रूल में गलती बहुत 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 ज़्यादा होती है सो so, हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है अ राइटर एंड सिंगर हैव सो यहाँ पे अ राइटर और सिंगर दोनों एक ही लोग हैं दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं तो यहाँ पे हैव की जगह हैज आना था तो हमारा ऊपर रूल क्या कहता था इससे पहले वाला अ राइटर ठीक है अगर एंड के बाद फिर से कोई आर्टिकल या फिर पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए तो दो अलग अलग लोगों के बारे में बात होती है बट अगर सिर्फ पहले वाले के साथ ही लगा है और दूसरे के साथ कोई भी आर्टिकल ए एंड द या फिर प्रोजेसिव प्रोनाउन माई हिज आर नहीं लगा तो मतलब ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है मतलब सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज होएगा तो आप देखिए अ राइटर एंड सिंगर तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो राइटर है वो सिंगर भी है इसका ये मतलब है ठीक है अ राइटर एंड सिंगर हैज साइंड टूर होना था होना चाहिए था ना कि हैव So, जो यहां पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आई होप आपको ये दोनों रूल्स में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी आप इसको अपनी हैंडराइटिंग में जिस भी तरीके से हिंदी इंग्लिश ईजी लैंग्वेज में जैसे भी रूल लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए ठीक है बस आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लुरल किसके साथ यूज होगा और किसके साथ यूज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इन द क्लास नो एरर सो हमने ईच के बारे में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो ठीक है ईच मतलब हर एक सो so, क्या था जो हमारा रूल था वो यही था कि ईच के साथ हमेशा सिंगलर यूज़ होता है वर्ब सो ईच स्टूडेंट हैज़ हैज़ तो सिंगलर के साथ ही यूज़ होता है तो ये मतलब करेक्ट है ठीक है सो so, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नो एरर नो एरर मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं है ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है अगर यहाँ पे होता ईच स्टूडेंट हैव स्टूडेंट्स भी हो जाता ना ईच स्टूडेंट्स हैव तब भी वो हैव नहीं होता हैज़ ही आना था ईच के साथ रूल है कि इज ही आएगा ठीक है एवरी ईच ईदर ऑफ नीदर ऑफ इनके साथ सिंगुलर आता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइन द एरर है मे मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक द चाइनीज फूड नो एरर सो देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ये सेंटेंस आई नो बट है एरर किस में है जल्दी से सोच लीजिए सिंटैक्स से क्वेश्चन लिया गया है सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सो ऑप्शन सी में गलती है लाइक द चाइनीज फूड नहीं होना था लाइक्स आना था सो so, मैंने आपको बता रखे हैं रूल्स पहले की वीडियोज में अगर एज वेल एज के साथ कोई सेंटेंस जुड़ रहा है तो सिंगुलर नाउन यूज होगा यहाँ पे लाइक like प्लूरल है सो so, होना चाहिए था मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक्स द चाइनीज फूड नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द either of the boys have answered all the questions during the quiz no error again चार ऑप्शंस है किसी एक ऑप्शन में गलती है तो अगर आपको याद हो हमने either of का भी रूल डिस्कस किया था either of neither of each of क्या रूल था इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है सो so, either of the boys have on answered have की जगह क्या आना था has अब आप देखिए अगर जिसको रूल नहीं पता ना उसको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक है क्यों क्योंकि बॉयज़ आ गया बॉयज़ प्लूरल है तो लोगों को लगेगा है भी आना चाहिए बट नहीं ईधर ऑफ है ईधर ऑफ के साथ क्या समझाया था कि सिंगुलर ही यूज होगा मतलब क्या इस सेंटेंस का इन इधर मतलब दोनों में से कोई एक सो इन दोनों में से किसी एक लड़के ने क्विज में सारे ही आंसर सही उत्तर करे हैं ठीक है हैव क्वेश्चन मतलब सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं इन दोनों में से किसी एक लड़के ने सो so, इस क्वेश्चन का यह मतलब है सो इधर ऑफ द बॉयज हैज होना था ना कि हैव सो जिस पार्ट में गलती है वो है ऑप्शन बी में सो यही बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट प्रपोजिशन से क्वेश्चन लिया है फिलिंदा ब्लॉन्ग का ही पेड नो अटेंशन डैश माई वार्निंग ऑफ़ अबाउट फॉर टू सो जो टेंथ का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन दैट इज़ टू ही पेड नो अटेंशन टू माई वार्निंग अटेंशन के साथ हमेशा क्या लगेगा टू सो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है सो so, वीडियो में बस इतना ही था आई होप पसंद आई यो स्कोर अगर आप अपना नोट कर रहे हैं ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं और मॉक टेस्ट के साथ आऊँ नए नए क्वेश्चंस के साथ आऊँ ये क्वेश्चंस तो मैंने पुरानी वीडियोस से मोस्टली लिए थे तो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस तो अगर आप चाहते हैं मैं न्यू क्वेश्चंस के साथ आऊँगी कि सो so दैट आपको नई चीज़ें भी और काफ़ी पता चले डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे